नमस्ते इंडिया, कैसे आप सभी लोग? जल्दी से लाइव में कनेक्ट हो जाओ। और आज डिस्कशन करेंगे हम कि ओके लाइफ केयर क्या है, ओके लाइफ केयर का प्लान कितना खूबसूरत है, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट कितने कमाल के हैं, ओके लाइफ केयर का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ओके लाइफ केयर में जो अचीवर्स की बात करें तो ये कितने अचीवर्स अभी तक बना चुकी है, साथ में हमारी मार्केट प्रेजेंस क्या है, राइट। सारी चीजें बहुत कमाल की हैं। अगर आप ओके लाइफ केयर में हैं तो डायरी पर नोट कीजिए, और अगर आप कोई अच्छा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आज आपकी जो तलाश है वो ओके लाइफ केयर पर आकर खत्म हो जाए। आए, स्वागत है आप सब लोगों का इस लाइव सेशन में। मेरा नाम सोनम है, मैं ओके लाइफ केयर को पिछले 4.5 साल से कर रही हूँ और करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। करते हुए तकरीबन 7 करोड़ से ऊपर की मैं प्रॉपर्टी बना चुकी हूँ। करते हुए आज BMW X5 ड्राइव करती हूँ। करते हुए आज भगवान की कृपा से ऑल ओवर इंडिया में हमारा नेटवर्क है। करते हुए आज लाखों परिवार हमारे प्रोडक्ट द्वारा अच्छा स्वास्थ्य ले रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छे स्वास्थ्य की तरफ अग्रसित हैं। मैं बात करूं अगर सबसे पहले हमारे प्लान की, बिकॉज प्रोडक्ट तो अच्छे हैं मान लेते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं इसे प्रमोट क्यों करूं? क्योंकि उसके अंदर एक मॉनिटरी बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर एक प्लान है, राइट। अवन भैया वेलकम, थैंक यू सो मच, लाइव में कनेक्ट हैं, पूरे लाइव में कनेक्ट रहना, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, राइट। थैंक यू सो मच शिवम जी, थैंक यू। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि प्रोडक्ट तो अच्छे हैं लेकिन मैं इस काम को करूं क्यों? प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगी, अपने परिवार को यूज कराऊंगी, कुछ अपने रिलेटिव को दे दूंगी अगर उन्हें कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट आते हैं, इससे रिलेटेड उनको अगर कोई समस्या है। भाई हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस प्लान के अंदर कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं, कुछ फायदा होता है। तो मैं आपसे सीधे बोलूं, 1 करोड़ की इनकम आपके प्लान में कैसे आएगी? मेरा बहुत बड़ा कारण इस कंपनी में ये सवाल था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो 40,000, 50,000, 60,000 मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मुझे ये लगता था कि मैं ना कमा लूंगी 40-50 हजार महीने, तो मैं ऐसा मानती थी। मैं जब मैं 12th किया था मैंने, तो मुझे इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था, मुझे लगता था 40-50 हजार में कमा लूंगी। मेरा दिमाग यहाँ पे जब हिला या इसके लिए अट्रैक्ट हुआ वो ये था कि हम यहाँ पर करोड़ों के महीने के करोड़ों रुपए बना सकते हैं, यानी करोड़ों रुपए की आमदनी मंथली कर सकते हैं। इस चीज ने मेरे दिमाग को हिट किया था बहुत तगड़े से, और मैं जानती थी कि एज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली मैं ये सोच भी नहीं सकती, कमाना तो दूर की बात। और पहली बार मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जहां पर मैंने 1 करोड़ की महीने की इनकम आ सकती है, ऐसा मैंने सुना था। होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन सुना, और वो सुना तो मुझे हिट हो गया। तो इस इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत करने का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि हम मंथली करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ईश्वर की कृपा से वो तलाश ओके लाइफ केयर में आकर कंप्लीट हुई कि 1 करोड़ रुपए मंथली, पहले अगर कोई प्लान मुझे उसका रोड मैप दे सके तो मैं रोड मैप पे चलूंगी ना, रोड मैप ही नहीं है। तो अगर बात हो 1 करोड़ मंथ की कमाने की, और आप 2 टीम में अच्छी लीडरशिप लेकर आए, अच्छे लोगों को लीडर बना दे, उनको आप उनके अंदर क्वालिटी डेवलप कर दे बिजनेस की, तो सच में ये संभव है, और ओके प्लेटफॉर्म में ही संभव है। उसके कई कारण है। कारण नंबर एक, पहला कि इस प्लान के अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको ओके लाइफ केयर का कोई भी लीडर 2 सेकंड में बता सकता है कि 1 करोड़ महीने के कैसे आ सकते हैं पेपर के ऊपर। दूसरा, यहां ये संभव इसलिए भी है क्योंकि जो टीम आपने लगा दी, ध्यान से सुनना, जो टीम आपने लगा दी वो टीम आपकी है। मैं दावे से बोल सकती हूं, कभी भी मेरे साथ बैठ जाना, ऐसे ऐसे लोगों का मैं स्ट्रक्चर दिखा सकती हूं जो स्थिरता आप ये समझो कि मुश्किल है ना, स्थिर रहना बड़ा मुश्किल है। पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी घूमते हैं, है ना, हर चीज घूमती है, चलती है, फिरती है। तो कई बार इस इंडस्ट्री में लीडरशिप भी स्थिर नहीं रहती, इधर इधर उधर होती है। तो जो कंपनी इधर उधर जो चला गया उसकी कंपनी में से, अगर उसकी लीडर उसकी टीम को भी इधर उधर ना करती हो, तो जो उस कंपनी के लिए खड़ा है उसे बड़ा करने में अपनी जान लगाएगी, हाँ या ना, बस इतना बता दो मुझे। फिर रिपीट कर रही हूं, जो ओके लाइफ केयर में से इधर उधर चले गए, ध्यान से सुनना, इधर उधर चले गए, अगर कंपनी उसकी टीमों को, उसने जो टीम बनाई उसकी टीमों को भी इधर उधर ना करे, तो जो उस कंपनी के साथ खड़ा है
क्या उसकी टीम इधर उधर हो सकती है? जो कंपनी का नहीं हुआ उसकी टीम जब इधर उधर नहीं होती, तो जो कंपनी के लिए है उसकी टीम कभी इधर उधर नहीं होगी। यानी इस सिक्योरिटी के कारण आप 1 करोड़ महीना कमा सकते हैं। जिस कंपनी में, ध्यान से सुनना, जिस कंपनी में आज है, एग्जाम्पल मैं डेट ले लेती हूँ, जो डेट है वही ले लेते हैं, 27 तारीख। अगर 28 में कोई ज्वाइनिंग लग रही है ना, तो वो उस सेकंड से पहले जितनी भी ज्वाइनिंग लगी होगी उसके नीचे लगेगी, किसी के ऊपर नहीं आएगी। ये कारण है कि आप यहां पर करोड़ रुपए कमा सकते हो। यानी जिस कंपनी के अंदर आपने जो टीम बनाई, वो टीम इधर उधर ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात? वो टीम को कंपनी में ही तोड़ के इधर उधर ना किया जाए, पहला। दूसरा, बाद में आने वाले लोगों को आपके ऊपर ना बैठाया जाए। इसका मतलब आप बड़ी टीम, 2 टीम, स्ट्रांग टीम बना सकते हो। बस अंतर इतना हो सकता है, जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है वो थोड़ी जल्दी बना लेगा, और जिसके अंदर थोड़ी सी कम क्वालिटी है वो धीरे धीरे बना लेगा। लेकिन टीम तो किसी ना किसी की कभी ना कभी तो जरूर बनेगी, और जब बनेगी तो चेक आएगा। समझ में आ रही है बात? पहला तो ओके के प्लान में वो दम है, दूसरा ओके के जो एथिक्स हैं वो एथिक्स आपको 1 करोड़ महीने के चेक पे लेकर जाएंगे। लेकिन जिन कंपनियों में एथिक्स नहीं है, वहां कोई सोनम जायसवाल बनेगा? मुझे नहीं लगता। कई बार वो लोग बोलते हैं कि सोनम जायसवाल जी आप कैसे बड़े बने, तो मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि सोनम जायसवाल की जिस दिन आईडी लगी, उसके बाद जिसकी भी आईडी लगी वो सोनम जायसवाल के नीचे लगी, सोनम जायसवाल के ऊपर नहीं लगी। इसलिए सोनम जायसवाल खड़ी हुई, इसलिए सोनम जायसवाल बड़ी हुई। अगर इस कंपनी में मेरे ऊपर लोगों की आईडियां लगती, सोनम जायसवाल बड़ी नहीं होती। और बहुत लीडर आए थे जिन्होंने सोनम जायसवाल के ऊपर आईडी मांगी थी, कंपनी नमस्ते कर लेती है। और बहुत सारे लीडर को पता भी होगा ये बात, पूछ लेना उनसे। ओके ने हाँ नहीं भरी, उन्होंने ऊपर आईडी मांगी थी, नहीं देते। ये बहुत बड़ा कारण है सोनम के बड़े होने का। दूसरा, ध्यान से सुनना, बंदा ओके छोड़ दे चलेगा, लेकिन लगी हुई टीम को इधर से उधर नहीं कर सकते आप। ये ध्यान से सुनना, ये इतने एथिक्स के पक्के हैं। नोट करते जाना जितने लोग ओके लाइफ केयर में जुड़े हुए हैं, ये नोट करते जाना जो मैं बात बोल रही हूँ, कि क्यों आप ओके में बड़े बनोगे, क्यों आप ओके में चेक बनाओगे बड़े, क्यों ओके लाइफ केयर में छोटा लीडर भी बड़ा बन जाएगा, क्यों ओके लाइफ केयर में आने वाला कोई व्यक्ति आ जाए। अभी क्या होता है इंडस्ट्री में, थोड़ी सी किसी ने कंपनी कर ली हो ना, साल भर 2 साल भर, अपने आप को लीडर मानता है, मानना भी चाहिए भाई, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, वो किसी के नीचे आईडी लगाना नहीं चाहता, वो कंपनी से बात करेगा या उस कंपनी के टॉप लीडरशिप से बात करेगा और बोलेगा जी ऊपर आईडी चाहिए मुझे। अब जिस कंपनी में प्रथा है ऊपर देने की, उसमें कोई लीडर आपके साथ आके क्यों जुड़ेगा? हाँ, वो तो आपके ऊपर जुड़ेगा जनाब। जब वो आपके ऊपर जुड़ेगा तो आप बड़े कब बनोगे? आप क्यों काम कर रहे हो ऐसी कंपनी में? प्लान बताओ, आप काम करो आप। अब कंपनी को क्या पता, वो जाकर कंपनी से बात कर लेते हैं। अब कंपनी को क्या पता कि आपने उससे बात की थी, और पता चलेगा वही बंदा आपसे ऊपर लेकर आईडी बैठ गया, आपके प्लाइन बन गया। वाह जी वाह, प्लान दिखाया आपने, हैं प्रोडक्ट दिखाए आपने, पॉजिटिव किया आपने, जाके जनाब कंपनी से मिल गए, ले ली आपके ऊपर आईडी। वाह, व्हाट अ कंपनी, क्या भविष्य बनेगा ऐसी कंपनियों में लोगों का? नहीं बनेगा भविष्य ऐसी कंपनियों में आपका। राइट चॉइस कीजिए, पहला तो प्लान देखिए और प्लान में चेक कीजिए क्या 1 करोड़ महीने के बनेंगे। पहले चेक कीजिए, रोड मैप दे रहा है क्या सामने वाला, वो बता रहा है क्या भाई टीम ए में इतना बिजनेस डाल दे, टीम बी में इतना बिजनेस डाल दे, तेरे 1 करोड़ बन सकते हैं? है क्या उनके पास रोड मैप? पहले तो रोड मैप वो ना निवार रहे हैं, फिर हम उस रोड मैप पे कितना चल पाएंगे ये तो देखेंगे हमारी मेहनत। पहले रोड मैप तो दो। आज हम इतने स्मार्ट हैं, घर से निकलते हैं तो लोकेशन ट्रैक मार्क कर लेते हैं जहां जाना होता है, ताकि हमसे गलतियां कम हो। अगर आपके पास रोड मैप होगा तो गलतियां कम होगी, पहुंचने के चांस ज्यादा होंगे। रोड मैप ही नहीं है, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लान का पहले तो पोटेंशियल, रोड मैप का मतलब पोटेंशियल होना चाहिए कि वो 1 करोड़ दे सकती है, और दे सकती है तो कितना बिजनेस डालना है तो मिलेगा। दूसरा, फिर उस कंपनी में क्या एथिक्स हैं, ये जरूर याद रखना, वरना बड़े नहीं बन पाओगे। लिख के ले लो, नहीं बन पाओगे, क्योंकि जैसे आप समझदार हो वैसे आप आने वाला और ज्यादा समझदार है। वो आपके नीचे क्यों जुड़ेगा जब उसे पता है कि कंपनी में ऊपर पोजीशन मिल जाती है, वो आपका अपलाइन बनेगा। क्लियर है?
रातों रात जिसमें से टीमें सरक जाती हो, कैसे वहां पे आप भविष्य सिक्योर मानेंगे? अरे हमारे यहाँ से जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनकी टीमें आज भी हैं, कभी बैठना मैं दिखा दूंगी, उनकी टीमें आज भी वही दो टीम के अंदर काम कर रही है, दो टीमें चल रही है उन लोगों की, गए हुए लोगों की टीम इधर उधर नहीं करते ये, तो जो खड़ा है भाई साहब उसके लिए कितनी ईमानदार होगी कंपनी, आप मुझे बताओ। हाँ सोचो, जो आदमी चला गया है, छोड़ के चला गया है, उसने अनाउंस कर दिया है डिजिटल मीडिया के ऊपर, इसका मतलब आएगा तो है नहीं, उसकी आईडी दे दो किसी को, उनकी आईडिया सलामत है, उनकी टीमें सलामत है, इतनी एथिकल कंपनी, चले हुए लोगों, जो लोग छोड़ के चले गए उनके लिए एथिकल है, तो जो खड़े होंगे उनके लिए कितनी एथिकल होगी भाई साहब। इसीलिए ओके लाइफ केयर, इसीलिए ओके लाइफ केयर, पहला तो प्लान में दम है 1 करोड़ महीने का देने का भी, दूसरा प्लान बहुत एथिकल है, कंपनी बड़ी एथिकल है, प्लान काम करता है समझो एथिक्स से। सोनम जायसवाल इसलिए बड़ी बनी क्योंकि 7 जुलाई 2018 के बाद जिसकी भी आईडी लगी वो सोनम के नीचे लगी, सोनम के ऊपर नहीं लगी, क्लियर है। द सेकेंड वन, अभी जो एआरपी आया है ना, ओह भाई साहब, अच्छा आप बताओ आप में से कितने लोगों ने एआरपी देख लिया है, जल्दी से बताएं, आप में से कितने लोगों ने एआरपी देख ली है, जल्दी एआरपी के बारे में जानते हो, आप में से कितने लोग जानते हो एआरपी? ओके है, हम एआरपी ले रहे हैं, हम एआरपी मतलब 1 करोड़ 21 लाख, अभी तो इतना कमाल का बनाया, मैं आपको दावे से बोल सकती हूँ, जब 2018 मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था है ना, तो आदरणीय डीके सारन सर के लिए आप एक डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज, डिजिटल क्लैपिंग कर दीजिए, जितने ओके वाले हैं ओके को प्यार करते हैं, ओके ओके उनके दिल में है, ओके के प्रोडक्ट से उनके जो है घरों में खुशियां आई हैं, राइट, कि वो ताली बजा दे एक बार डिजिटल क्लैपिंग कर दे, एक बार डिजिटल क्लैपिंग कर दो, एक बार यस लिख दो, एक बार ओके लिख दो। हाँ, आदरणीय डीके सारन सर ने, जब मैं 2018 में उनके पास गई थी इस बिजनेस को समझने के लिए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा 6 साल एक इंटरनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस रहा है ओके से पहले, और 2 साल एक बाइनरी कंपनी का एक्सपीरियंस रहा है, राइट, तो उन्होंने मुझे सीधे बोला, बेटा मैं तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो 6 साल उस इंटरनेशनल कंपनी का मानूंगा, तुम्हारा 2 साल राइट कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा जो 6 साल है ना वो बहुत ही राइट कंपनी का एक्सपीरियंस है। तारीफ की उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी के। उसने बोला, मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, आज उसकी कंपनी के अचीवर का नाम वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आता है, ठीक है, उनको उस कंपनी को करते हुए तकरीबन 50 साल हो गए है ना, और एथिक्स के नाम पर, और मैं अगर बात करूं एक्सपेंशन के नाम पर, उस कंपनी का कोई मतलब मुकाबला नहीं है, बहुत जबरदस्त कंपनी ना। उन्होंने एक ही बात बोला, इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट 2025 में लाके दिखा दूंगा, उस कंपनी के अचीवर के नाम के आगे अपनी कंपनी के अचीवर का नाम लेकर आऊंगा। बेटा ध्यान से सुनना, उस कंपनी में जो अचीवर है वो बाहर देश के, इंडियन किसी भी अचीवर का नाम वर्ल्ड के टॉप 10 लिस्ट में नहीं आता, आज डायरेक्ट सेलिंग को 25 साल हो गए भारत के अंदर, किसी भी इंडियन अचीवर का नाम, किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलर का नाम वर्ल्ड की टॉप 10 में नहीं आता है, ध्यान से सुनना। बोला मेरा यही मिशन है, मेरा इंडियन नाम, मेरा भारतीय नाम, मेरे भारत का नाम, मेरे भारत के लोगों का नाम एज अ अचीवर उस वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आना चाहिए, और इस मिशन के साथ काम कर रहा हूं जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट निकाल के दूं, और मिशन है कि वर्ल्ड के टॉप 10 अचीवर में हमारे ओके लाइफ केयर के लीडर का नाम, भारतीय नाम आना चाहिए। हैट्स ऑफ सर। और मन में सोचा, उनको उस समय नहीं बोला था, आज इस लाइव में बोल देती हूँ, मन में सोचा था, सर अगर आप इस मिशन के साथ काम कर रहे हो ना कि वर्ल्ड के टॉप 10 अचीवर में भारतीय नाम आएगा, तो सोनम जायसवाल का नाम आपकी कंपनी से आएगा, ये मन में सोचा था मैंने उसी समय। ध्यान से सुनना, कंपनी थी मात्र 1.5 साल की, और 1.5 साल की कंपनी में मैं ऐसा सोची, मैंने ऐसा वहां पर उस दिन मिशन लिया। तो एक ऐसी कंपनी जो day 1 पे सोचती हो कि मुझे वर्ल्ड के टॉप 10 अचीवर में अपने लीडर का नाम लेकर आना है, अपने अचीवर का नाम लेकर आना है, अपना भारतीय नाम लेकर आना है, वो कंपनी प्लान पे काम किए बिना कैसे ला सकती है, सोचिए।
और यही कारण हुआ कि 2016, 2017, 2018, 2019 इस प्लान का जब प्रमोशन हुआ तो 2019 में ये प्लान हाईलाइट हो गया, बाजार ने इस प्लान की ताकत को समझ लिया। 2020 में हमने प्रूफ कर दिया कि मात्र 4 साल के अंदर कोई कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान है जिसने मंथ का 42 लाख का पे आउट दिया इस प्लान से। प्रूफ कर दिया एथिक्स से। अगर आने वाले हर लीडर को ऊपर आईडी देते ना तो 2018 के हम जुड़े थे तो 2019 वालों को हमारे ऊपर दे देते, 2020 वालों को उनके ऊपर दे देते, 2021 वालों को उनके ऊपर दे देते, तो इतने बड़े पे आउट कभी नहीं बनते। इतने बड़े पे आउट बनने का कारण ये है, यही सबसे बड़ा कारण है कि यहां पर आईडी नीचे लगती है। क्लियर। अब मिशन भी यही है कि सबसे बड़ा पे आउट बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एथिक्स के साथ बनाएंगे, 100% बनाएंगे और ये बनेगा। और 2025 का जो मिशन है ना, 2024 में लोगों को ये होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब एआरपी का 1,21,00,000 आएगा और उसमें जब मंथ का पे आउट ऐड हो जाएगा, मैं दावे के साथ बोल रही हूँ 1.5-2 करोड़ के पे आउट लोगों को दिखेंगे 2024 में ओके लाइफ केयर के लीडर के। और ये इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट होगा, मैं बता रही हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट। जिस हिसाब से एआरपी को लेकर हमारी टीम में एक्साइटमेंट है, मैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मतलब ईआरपी को लेके टीम के अंदर हो पूछो मत, क्योंकि जो पे आउट आएगा ना साल का, वो पे आउट लीडर के घर, गाड़ी, उसके सपनों को पूरा कराएगा। और डीके सर तो चाहते हैं लोगों के सपने पूरे हो, जो कंपनी की मैनेजमेंट वो चाहती है लोगों के सपने पूरे हो, वो प्लान से पूरे होते। और प्लान हमने मतलब इतना कमाल का प्लान बनाया, अगर आपने नहीं देखा है, राइट, आप मेरे लाइव में और आप ओके में नहीं हो तो आपको ओके लाइफ केयर का प्लान और प्लानिंग देखनी चाहिए। ध्यान से सुनना, प्लान और प्लानिंग दोनों देखनी है। सिर्फ प्लान नहीं देखना, प्लानिंग भी देखनी है। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ, आप लोगों को ईश्वर की कृपा से मतलब वो जो आपकी तलाश है ना, शायद वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखे। जरूर देखिए ओके के प्लान, एआरपी को समझिए, 3.0 क्या है उसे समझिए, एथिक्स को जानिए और इसी से आप बड़े हो पाएंगे। और 1 करोड़ की इनकम जरूर पूछना है, यार तुम्हारे ओके में 1 करोड़ की इनकम कैसे आती है, प्लान में बताओ जरा, उसका रोड मैप दो। दूसरा, प्लान अच्छा हो गया, प्लानिंग अच्छी हो गई, द इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोडक्ट। और लोगों को आज, बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ओके से, जो लोग होता है ना कि ज़रूरी नहीं है हर किसी की जर्नी आपके साथ बहुत लंबी हो, राइट, वो कुछ दिन की भी जर्नी हो सकती है, जो लोगों ने कुछ दिन की भी जर्नी हमारे साथ बिताई है, राइट, आज व्हाट्सएप पे जब वो हम मैं स्टेटस पे जब कोई फोटो लगाती हूँ और वहाँ से उनका मैसेंजर पे मैसेज आता है, जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, दीदी कुछ भी कहो ओके के प्रोडक्ट सच में कमाल के हैं, मैं अभी है ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ या मैं अभी ट्रेडिशनल कुछ कर रहा हूँ, तो बताते हैं, कहते दीदी लेकिन आज भी ओके के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो फोटो खींच के भेजते हैं अपने उस घर के उस कोने की जहाँ पर ओके के प्रोडक्ट रखे हैं। बोला हैट्स ऑफ, सच में मान गए आपकी R&D को, मान गए आपकी साइंटिफिक प्रोडक्ट को, मान गए आपके रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को, मान गए आपके इतने कमाल के प्रोडक्ट रेट क्वालिटी को रिजल्ट देते हैं। मैं अकेले बोल रही हूँ, जो सी बकथॉर्न है ना, अकेले ये सी बकथॉर्न जिस कॉम्बिनेशन के साथ दिए, दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक फॉर्मुलेशन। सी बकथॉर्न में जैसे ही एप्रिकॉट, गिलोय या अश्वगंधा, ब्लूबेरी मिला दिया गया, इसके रिजल्ट मार्केट के सी बकथॉर्न से कई गुना अच्छे आते हैं। और ये पीने में भी अच्छा लगता है। इस प्रोडक्ट की तारीफ TV9, इस प्रोडक्ट की तारीफ आपका ABP न्यूज चैनल, इस प्रोडक्ट का तारीफ आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के तारीफ बारे में अभी महाराष्ट्र के एक न्यूज़पेपर में आया, इसी प्रोडक्ट के बारे में अभी गुजरात का एक न्यूज़पेपर है उसमें आया। सोचिए, ये B6 बहुत अच्छा है, B12 बहुत अच्छा है, विटामिन सी बहुत अच्छा है, इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 का रिच सोर्स है, 369 का, इतने अच्छे न्यूट्रिशन देता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हैवी एंटीऑक्सीडेंट बहुत सपोर्ट करते हैं। बाप रे, इतनी अच्छी प्रोडक्ट, गुड डिटॉक्सिफायर, बॉडी को एनर्जी देता है, स्टेमिना देता है, 30 ml डेली पीकर तो देखो आप। ओके लाइफ केयर को आप ज्वाइन करो मत करो, आप ये सी बकथॉर्न मेरे कहने से डेली 30 ml कांच के गिलास में 30 ml लो और गुनगुना पानी मिलाओ और पी लो, 1 महीना ये डब्बा मेरे कहने से पीकर देखो, आपको स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। और आप जो भी अपने काम कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे मतलब उसमें ना स्टामिना लगेगा,
साथ में अभी रिसेंट में हमारी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ जिन्होंने 17,000 घरों में आरओ जो है फिट किया है, 17,000 घरों में। उन्होंने बताया, दीदी मैंने एक एक घर को नॉक करके आरओ बेचा है, आज भगवान की कृपा से मेरी अच्छी कंपनी, आज लड़के मेरे लिए काम कर रहे हैं, राइट, हम 17,000 आरओ की सर्विस जो है लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। बोला आज से दीदी मिशन है, ये प्रोडक्ट ने मेरा 10 kg वजन लॉस किया है, मेरा चेहरा धूप में घूम घूम के काला हो गया, तो थोड़ा जो मेरा कलर पहले वाला था वो वापस आया है, मेरा स्टेमिना बहुत कमाल का हुआ हो गया है, ट्रिपल एक्सल जो टी शर्ट थी मेरी डबल एक्सल हो गई है, मेरा जो पैंट का साइज था वो 44 से 38 आ चुका है, मैंने निर्णय ले लिया जिस घर में आरओ लगाऊंगा उस घर में सी बकथॉर्न फ्री दूंगा, पहली बार सी बकथॉर्न फ्री दूंगा। सोचिए इतना प्रभावित हुआ इस प्रोडक्ट से, ट्रेडिशनल का आदमी। ओके, अभी आप देखो ये रेड एलोवेरा, इतना कमाल का रेड एलोवेरा जिसे पॉमनीग्रेंट जो है फ्लेवर, मतलब साथ में पॉमनीग्रेंट को ऐड किया गया है, तो अगेन रेड एलोवेरा के रिजल्ट बढ़ गए, बहुत कमाल के रिजल्ट बढ़ गए। एलोवेरा के फायदे आप भी जानते होंगे, मैंस 30+ प्रोडक्ट आया, जो भी ओके लाइफ केयर का लीडर जरूर पूछना इससे इसके बारे में, राइट। बैरी पल्स, मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटिव कंपनियों से बहुत अच्छे रेट है हमारे, है ना। डाइजेस्टिव सीरप, ओके लीवर टॉनिक, मतलब आप सोचो इस प्रोडक्ट का MRP होगा 160 रुपए के आसपास, है ना, जहां तक मैं समझ, 160 रुपए, राइट। इसकी एक्सपायरी है 2026 में, इसके इसको जब आप इसको छुएंगे ना तो ये उभरा हुआ सा लगेगा, मतलब 160 रुपए के प्रोडक्ट की भी पैकिंग जो है कंपनी ने इतनी कमाल की है। लीवर टॉनिक है ये भी देखोगे आप तो दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा उभरा हुआ सा है ये चीज, राइट। मतलब आप ये समझो, ये इतने 160 रुपए के प्रोडक्ट की भी पैकेजिंग इतनी कमाल की करते हैं ये कंपनी। ओमेगा दिया प्रोबैक्टिव के साथ, मतलब पहली कंपनी होगी जिसने ओमेगा प्रोबैक्टिव के साथ दिया, आज प्रोबैक्टिव मार्केट की नीड है। आयरन फॉलिक का जब कॉम्बिनेशन दिया, आयरन फॉलिक को विटामिन सी के साथ लेंगे तो एब्जॉर्ब होता है, वो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करेगा, क्लियर है। आयरन फॉलिक दिया विद विटामिन सी, विद B12, B6, विद जिंक, कारण कई बार क्या होता है लेडीज आयरन खा रही है लेकिन उसको हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, समझ में आ रही है मेरी बात। जब आप विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स जिंक के साथ आयरन लेंगे तो आयरन एब्जॉर्ब होगा और मजे की बात है स्टोन नहीं बनाएगा, ऐसा आयरन फॉलिक का कॉम्बिनेशन दिया है। सबको पता है फीमेल को कितनी जरूरत होती है इसकी, आयरन की, मतलब ये अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट दिखाए हैं, ये मुश्किल से मतलब 2% भी प्रोडक्ट नहीं है ओके लाइफ केयर के, ऐसे एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट दिया। अब जिस मानना जिन्होंने हमारी जैसी क्वालिटी दी, रेट ही नहीं दिया, रेट महंगा कर दिया इतना। आपने किसी चीज का इनोवेशन किया अगर उसे आपने अफोर्डेबल नहीं किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने उसे अफोर्डेबल नहीं किया कोई फायदा नहीं इनोवेशन का। एग्जाम्पल, जब हेलीकॉप्टर बना, ध्यान से सुनना, वो 2 सीट के साथ में, अगर हेलीकॉप्टर को एरोप्लेन में कन्वर्ट नहीं किया जाता तो क्या वो अफोर्डेबल हो पाता? आज एक साथ 100-200 लोग उड़ पाते हैं एक हवाई जहाज में तो जाकर दाम हो गया ना टिकट का 5,000-6,000। अगर 2 ही लोग उड़ के जाते, जिसे हम प्राइवेट जेट भी कहते हैं, अगर 2 ही लोग उड़ के जाते या 5 ही लोग उड़ के जाते तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती, सोचो कितने लोग हवाई यात्रा कर पाते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अफोर्डेबल भी फाइनल इनोवेशन होती है। आपने कोई चीज बना ली लेकिन अगर जनता उसको उपयोगी नहीं कर पा रही तो आपकी उस रिसर्च का फायदा क्या हुआ, आप बताइए। अगर जनता उसका उपभोग ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसका रेट ही बहुत महंगा है, आम जनता के बजट से ही बाहर है वो, अफोर्डेबिलिटी भी एक इनोवेशन होता है। मार्केट में जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेचती हैं, हमारे पास उनसे थोड़ी सी फार बेटर क्वालिटी, थोड़ा सा और साइंटिफिक उसके अंदर रिसर्च के साथ, मार्केट से अगर मैं रेट की बात करूं तो हम उनके मतलब 2 गुना सस्ते हो जाते हैं। सोचिए, इसे भी इनोवेशन बोलते हैं। जो चीज मार्केट में हिट है आप उसे सही प्राइस पे ला दो, इसे भी इनोवेशन कहा जाता है। जैसे जियो ने किया, भाई लोगों को नेट की जो है समझ में आ गया कि इंटरनेट हो तो चीजें बढ़िया होती हैं, है ना, व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब चीजें हो जाती हैं बढ़िया। तो बहुत मुश्किल था इंटरनेट को इस्तेमाल करना, बड़ा महंगा था, मेरे जैसे लोग भी भाई साहब उसे ऑन करते थे। मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 12 साल से हूँ, मेरे जैसे लोग भी पता क्या बोलते थे, मेरी अपलाइन बोलती थी बेटा व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, तो मैं नेट ऑन करती थी, उनका जैसे ही डाउनलोड जाता था नेट ऑफ कर देती थी, पूरे महीने में चलाना पड़ता था भैया। सोचिए आज नेट खुला छोड़ देते, हम बंद ही नहीं करते। इंटरनेट को इतना आसान कर दिया, इसे भी फाइनल इनोवेशन बोलते हैं जियो बाबा ने।
और जनता ने फिर उसका सदुपयोग किया और आज आप देखो तो कितने लोग डिजिटल मीडिया के कारण पैसा बना रहे हैं, हाँ या ना? सोचो वो जियो ने फाइनल इनोवेशन ना किया होता इंटरनेट की दुनिया में, तो वो जो डिजिटल मीडिया के हीरो बने हैं तो बेचारे हीरो बन ही नहीं पाते ना। जब इनोवेशन की जाती है ना अफोर्डेबिलिटी की, तो सबसे बड़ा फायदा जनता का होता है, उपभोक्ता का होता है। और वी आर ओके लाइफ केयर जहां पर कस्टमर खुश होता है क्योंकि हम अफोर्डेबिलिटी पर बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं। अगर कोई चीज मार्केट में हिट है, बढ़िया है और मुझे हमें लगता है जनता की जरूरत है, तो हम उसे अफोर्डेबल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और बेहतर बनाकर उसे अफोर्डेबल करते हैं, क्योंकि जनता का भला होना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ कस्टमर बड़ा खुश होता है और हमारे प्लान की ताकत के कारण, हमारे एथिक्स के कारण लीडर खुश रहता है। तो कस्टमर खुश, लीडर खुश। अब आई बात कि लोगों को और स्ट्रांग कैसे बना जाए, स्ट्रेंथ कैसे दी जाए उनके अंदर। एजुकेशन सिस्टम, ओके एकेडमी के नाम से हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं आपको बताती हूँ ओके लाइफ केयर में तकरीबन 25 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुके हैं पिछले 6 साल में, करोड़ रुपए से ऊपर। ये लोग सुबह, ध्यान से सुनना, ये लोग सुबह 7 बजे, ध्यान से सुनना, ये लोग सुबह 7 बजे, कंपनी की जिम्मेदारी होती है और सुबह 7 बजे ये लोग आते हैं, ध्यान से सुनना, सुबह 7 बजे ये लोग आते हैं और आपको वो पॉजिटिव नोट्स देने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए आधे घंटे की ट्रेनिंग मंडे टू फ्राइडे देते हैं। यानी आपका काम क्या है, आपके पास ये जो फोन है, इतना कमाल का ये जो फोन है, इतनी प्यारी जो फोन की सुविधा है, जो इंटरनेट दिया है जियो बाबा ने आपको, या बाकी जो भी सिम आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब तो सबने ही हमें सुविधा दे दी है, ये आपको उन लोगों की संगत देना शुरू कर देगा जहां से आप बड़े हो जाओगे। मेरी माँ ने बचपन में मुझे सिखाया था, बेटा जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसे ही कोई गलत बच्चा होता था तो मेरी माँ बोलती थी, उसके साथ दिख गई ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, उसके साथ मत दिखना। मतलब जो बच्चा लड़ाई झगड़ा करता था या जो बच्चा गाली गलौज करता था, हमारी माँ उसको उससे दूर रहने के लिए बोलती थी। क्यों? क्योंकि वो हमें बताती थी कि जैसी संगत वैसी रंगत, कह रही पता नहीं लगेगा तुम उनके जैसे कब बन जाओगे, इसलिए उनसे दोस्ती तोड़ दो, उनसे बात नहीं करनी है, उनके घर नहीं जाना है, उन्हें अपने घर नहीं बुलाना है। ओके मम्मी, आज वो फार्मूला आपके लिए भी काम करता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब करोड़पतियों की संगत मिलने लगे, कामयाब लोगों की संगत आपको डेली मिलने लगे, अगर आपको सक्सेसफुल लोगों की संगत डेली मिलने लगे, तो क्या आप सफल नहीं होंगे? क्या आप करोड़पति नहीं बनेंगे? क्या आप लखपति नहीं बनेंगे? छोटी सी बात है लेकिन समझ में शायद बहुत बड़े लेवल पे आएगी आपको, संगत की रंगत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोअर मिडिल क्लास में जन्म लेते हैं, हम गरीब घर में पैदा होते हैं, तो वहां की संगत क्या है? लोअर मिडिल क्लास वाली। वहां की संगत क्या है? गरीबों वाली। तो जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। चाहत तो होती है उसकी बंगला लेने की, चाहत तो होती है उसकी लग्जरी कार लेने की, चाहत तो होती है उसकी जिंदगी में बड़ा करने की, लेकिन वो बड़ा हो नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में वो कभी बड़ों की संगत नहीं ले पाता, सिर्फ इतनी कमी रहती है उसकी, इतनी कमी रहती है, क्योंकि वो बड़े को पहले तो जानता नहीं, जानता भी है तो बड़ा उसके साथ बैठेगा क्यों? वो बैठना भी चाहे तो बड़ा उसके साथ क्यों बैठेगा? अब मान लो उसका रिश्तेदार कोई हो जाए, है ना, होता है कई बार कि रिश्तेदारी में कोई अमीर बन जाता है, तो वो जाएगा तो उसको खातिरदारी होगी, उसको खाना अच्छे से मिल जाएगा, पानी अच्छे से मिल जाएगा, और जो व्यक्ति जिसके कारण वो परिवार अमीर बना है, वो आदमी का वक्त उसे ज्यादा मिल ही नहीं पाता, और मिलता भी है तो हाल चाल रिश्तेदारी में यही बात होती है, व्यापार की तो बात होती नहीं। सोचिए माई डियर फ्रेंड, हाँ बात तो होती ही नहीं ना। तो अगर उसकी रिश्तेदारी कोई अमीर है भी, तो उसको अगेन व्यापार की संगत नहीं मिल पाती है, वो सफलता वाली संगत नहीं मिल पाती। अब डेली तो रिश्तेदार से मिलने नहीं जाएगा, डेली तो रिश्तेदार के पास बैठेगा नहीं। इसलिए कंपनी ने क्या बोला, जो ऑलरेडी कामयाब है उनकी संगत डेली सुबह 7 बजे देने की तैयारी हमारी। आपको बस आपका फोन ओपन करना है, 7 बजे उठना है, इंटरनेट से फोन खोलना है और उसको सुनना है, राइट? लेकिन समझदार लोग कई बार आ तो गए लेकिन मीटिंग सुन नहीं रहे, क्योंकि जूम पे कौन जानता है आप मीटिंग सुन रहे हो कि नहीं। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, बोले मीटिंग ज्वाइन कर ली लेकिन सुन नहीं रहे। आपने मीटिंग ज्वाइन भी करनी है और सुननी भी है, समझनी भी है, नोट्स भी बनाने हैं। जो वो बड़े लोग बोल रहे हैं, वो जो सफल लोग बोल रहे हैं, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, आप 100% सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपको सफल आदमी की डेली संगत मिल रही है 30 मिनट 40 मिनट की। बताइए ये जिम्मेदारी है मेरी कंपनी की, जो आपको रोज सुबह 7 बजे मीटिंग देती है ओके एकेडमी की, दोपहर में 3 बजे। अब बहुत सारी फीमेल है, वो शायद अपने घर से, अपने बच्चों से दोपहर का 3 बजे का टाइम बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपने परिवार को मैनेज करते हुए, तो दोपहर 3 बजे उसको ट्रेनिंग मिलती है, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी देती है, ओके एकेडमी देती है।
रात को 8:10 पे, रात को 8:10 पे आज भी मीटिंग चली, जिसमें मैंने 9 बजे लाइव किया, 8:10 पे हर मंगलवार को पहली कंपनी ओके लाइफ केयर है जहां पर साइंटिस्ट आकर ट्रेनिंग देते हैं, साइंटिस्ट आकर ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर विक्रांत नरेवाल सर, आज उन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट का, वेट मैनेजमेंट का टॉपिक लिया था, ऐसी वो कभी लिवर मैनेजमेंट, कभी किडनी मैनेजमेंट, कभी आई हेल्थ मैनेजमेंट, स्किन केयर मैनेजमेंट, प्रोस्टेट हेल्थ मैनेजमेंट, हेयर केयर, ऐसे अलग अलग मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर जो है टॉपिक लेते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, राइट, क्या क्या आदतें आपको छोड़नी है, क्या आदतें आपको बनानी है, ये सब बताने के बाद प्रोडक्ट बताते हैं। अब ओके का कौन सा प्रोडक्ट जो है अपनी जिंदगी में एड ऑन करेंगे तो आपको आपके इस प्रॉब्लम में जो है सपोर्ट मिलेगा, आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी, हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में। हर मंगलवार साइंटिस्ट, वी आर दी कंपनी ओके लाइफ केयर, जहां पर हर मंगलवार कंपनी का R&D हेड, जिसने प्रोडक्ट की आत्मा बनाई है, जिसने वो प्रोडक्ट पर रिसर्च किया, जिसने बनाया वाय दस प्रोडक्ट, वो जब आकर बताता है ना तो आवाज दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। आपको ये आपको इस टाइप का एजुकेशन मिलेगा। हर बुधवार को जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हर बुधवार को न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कि ओके लाइफ केयर का सिस्टम क्या है। हर बुधवार को, हर सोमवार को, शुक्रवार को जो ओके लाइफ केयर से करोड़पति बन चुके हैं वो आकर ओके लाइफ केयर की प्रेजेंटेशन देते हैं, हर सोमवार और शुक्रवार। मतलब वेल डिजाइन एजुकेशन सिस्टम, वेल डिजाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। ऑनलाइन होने के कारण आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हमारा एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है, आप जहां से भी हो हमारे साथ जुड़कर बड़े बन सकते हैं, क्योंकि सीखेगा भारत तो जीतेगा भारत, सीखेगा भारत तो जीतेगा भारत। और मजे की बात, सिखाता वो है जो ऑलरेडी सफल है, सिखाता वो है जो ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, सिखाता वो है जो करोड़ों कमा चुका है, सिखाता वो है जिसे इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, सिखाता वो है जो इसके प्रोडक्ट बना रहा है, सिखाता वो है जो सिस्टम के अंदर। क्लियर है मेरी बात? अब आप अगर सीखना चाहेंगे तो सच में आप जीतेंगे हमारे साथ। वेल वेल डिजाइन एजुकेशन सिस्टम। फिर ऑफलाइन भी हमारा एजुकेशन बहुत कमाल का होता है, हमारे सुपर 50 राउंड, जहां पे हम सिलेक्टेड लोगों को मीटिंग करते हैं स्टेट वाइज। जैसे 2 जुलाई आपका दिल्ली में हो रहा है ये प्रोग्राम, जहां पर खुद कंपनी के MD, कंपनी के CEO, कंपनी के कर्ता धर्ता रचियता, कंपनी के हार्ट मोस्ट एथिकल पर्सन खुद उस स्टेट में जाकर उस एरिया के सिलेक्टेड लीडर को वो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, वो जाकर अपना एजुकेशन देते हैं और बताते हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। यानी ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका वॉक्स मैगजीन में नाम आता है, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर जो किसान के बेटे थे और आज इतने बड़े हो चुके हैं, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर जिसने मात्र 6 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान, अलग ही भूमिका बनाई है, एक ऐसी कंपनी के ऑनर जो सलोनी यूनिवर्सिटी में जब मोस्ट एथिकल कंपनियों का नाम लिया जाता है तो ओके लाइफ केयर का नाम लिया जाता है, और 6 साल में जगह बना ली उन्होंने, 6 साल में आज सलोनी यूनिवर्सिटी में मोस्ट एथिकल कंपनी कहकर संबोधित किया जाता है कुछ कंपनी को। और आप देखेंगे 6 साल की मात्र इकलौती कंपनी उसमें ओके लाइफ केयर है, ओके लाइफ केयर है मात्र 6 साल की इकलौती कंपनी है, बाकी जितनी भी कंपनी के नाम है 15 साल, 20 साल, 25 साल वाले, इसे कहते हैं पूत के पांव पालने नजर आना। क्लियर है? तो ऐसी कंपनी के मालिक खुद आकर आप कैसे बड़े बनेंगे, आप कैसे ग्रो करेंगे, आप सीखेंगे। अगेन बोल रही हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत, और यहाँ कामयाब लोग आपको संगत देने के लिए तैयार हैं, इतना बेहतरीन हमारा एजुकेशन सिस्टम है। बस आप संगत लेने के लिए तैयार हो जाओ, सीखने के लिए तैयार हो जाओ, सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। अचीवर की बात करूँ तो यस, आज ओके लाइफ केयर ने जितने फास्ट अचीवर दिए हैं तो उन्होंने ये मिथ तो मार्केट से दूर कर दिया कि जनरेशन प्लान में स्लो पैसा आता है या इन कंपनियों में पैसा नहीं आता। ओके लाइफ केयर ने प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान में अगर प्लान बेहतरीन हो, लेवल कटिंग ना हो, डेप्थ कटिंग ना हो, रैंक कटिंग ना हो, कंपलसरी साइड मेंटेनेंस ना हो, मात्र क्या बोलूं आपको, 1,30,000 बीवी पर कंपनी की सारी इनकम, मतलब कंपनी की टॉप पोजीशन मिल जाती है मात्र 1,30,000 बीवी पर, मात्र 1,30,000 बीवी पर। सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे काम करोगे ना, सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे तो 2 लाख रुपए में हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपए में हो जाएगा 1,30,000 बीवी, समझ रहे हैं? सारे प्रोडक्ट पे काम करोगे तो एवरेज 45% बीवी निकल के आ जाता है, मतलब 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा, कंपनी का टॉप पोजीशन मिल जाएगा 2.5 लाख में। और टॉप पोजीशन का मतलब सारी इनकम आएगी, टॉप पोजीशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की सारी इनकम खुल जाएगी आपके लिए। और इसके अलावा
कंपनी का 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी इनकम का मतलब क्या है, कंपनी का 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन आप हकदार हो गए, आपको मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, आपकी टीम को मिलेगा, समझ रहे हैं। प्लस एआरपी जैसा भाई साहब 1,21,00,000 का बोनस, 5,000 से शुरू होता है, 1,21,00,000 पे खत्म होता है, साथ में जैसलमेर जैसे ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, ओहो भाई साहब तोड़ नहीं है कोई, कंपैरिजन नहीं है कोई भी, वो भी एथिकल प्रैक्टिस के साथ। तो हमने अचीवर बनाए, 42,00,000 का पे आउट हमने निकाल के दिया इस प्लान से इतनी जल्दी, जो प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान इंडियन कंपनी में नॉट पॉसिबल, पहले किसी ने किया ही नहीं, जो हमने करके दिखाया, राइट। 25 करोड़पति आज है ना, जो करोड़ रुपए कमा चुके हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट प्रेजेंस, लगभग हाँ ओके सुना है, ओके जानते हैं, हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं सुना है आपके, ऐसे करते हैं मतलब सुना है आपका, देखा था मैंने सोशल मीडिया पे, मतलब इतनी खतरनाक प्रेजेंस बनाई अपनी। ये जब कॉम्बिनेशन देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा ओके से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, जितने ओके करते हैं ये नोट्स कर लेना जो मैंने आज बोला था, ये सारे कारण हैं आपको ओके करना चाहिए। प्रोडक्ट दमदार, ध्यान से सुनना, जो क्वालिटी दे रहा है उसने महंगा कर रखा है, समझ में आ रहा है, जो क्वालिटी नहीं दे रखा उसे सस्ता कर रखा है। अरे क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी करो, अच्छे प्रोडक्ट दो सही दाम पर दो, ये है ओके लाइफ केयर, सही दाम के साथ सही पैकेजिंग दो, देखने के बाद लगना चाहिए यार प्रोडक्ट है सुंदर लग रहा है, हैं? देखने के बाद लगना चाहिए, मतलब क्वालिटी भी, प्रोडक्ट का अफोर्डेबिलिटी भी, ध्यान से सुनना, हमसे 3 गुना महंगा, हमसे 2 गुना महंगा देते हैं बाजार में लोग, रिजल्ट देते हैं हम अपने प्रोडक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं जिसका कॉम्बिनेशन बाजार में मतलब ही नहीं है, किसी भी बेहतरीन, जो बंदा आयुर्वेद के बारे में जानता है, जो बंदा सप्लीमेंट के बारे में जानता है, जब वो कॉम्बिनेशन सुनता है ना हार्ट फ्यूल के अंदर कि ओमेगा 3, अर्जुना, गामा अर्जुन ऑयल, सी बकथॉर्न, ग्रैप स्किन, कोएंजाइम, राइट, गूगल एक्स्ट्रा जिंथिन, ट्रांस रिजर्वटॉन, मतलब विटामिन B6, 12, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और साथ में बी आपका प्रोबायोटिक, वो भी 5 मिलियन ईच कैप्सूल, कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है, रिजल्ट आते हैं। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कमाल का प्रोडक्ट है, HDL LDL पहले ही बॉक्स में आप कंट्रोल कर लेंगे, क्लियर। प्लान मोस्ट एथिकल प्रैक्टिस के साथ, 2 लेग में डेप्थ कटिंग नहीं, लेवल कटिंग नहीं, रैंक कटिंग नहीं, कंपलसरी साइड मेंटेनेंस नहीं, ध्यान से सुनना, 1,30,000 बीवी पर कंपनी का 100% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन हो जाता है, 1,30,000 बीवी सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर काम करोगे 2,00,000 में भी हो जाएगा, 2,50,000 में भी हो जाएगा, क्लियर है। सारे प्रोडक्ट पे काम करोगे तो 45% का एवरेज निकल के आ जाता है। इसके अलावा किसी भी तरीके से आपकी टीम को इधर उधर करना या आपके ऊपर आईडी देना, ऐसी प्रैक्टिस हम कभी भी नहीं करते हैं। 1 करोड़ की इनकम पूछ लेना किसी भी कंपनी में, आपके में कितने में आती है भूल जाते हैं लोग, बता ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ ने कैपिंग मार दी है इनकम पे, 1 करोड़ की इनकम ही नहीं दे पाते, और कुछ के कैलकुलेशन से परे है 1 करोड़ की इनकम, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते प्लान के अंदर, राइट। तो प्लान, प्रोडक्ट, एथिकल प्रैक्टिस, एजुकेशन सिस्टम, सुबह 7 बजे, दोपहर 3 बजे ऑनलाइन, रात को 8 बजे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी टीम को आपने बनाया, उन टीम को एजुकेशन से जोड़ दो, ऑफलाइन कंपनी के सीईओ खुद स्टेट वाइज निकल के सिलेक्टेड लोगों से मिलकर उनको ग्रोथ के राज, उनको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में मदद करते हैं। अचीवर यही कारण है कि हम अचीवर बना पाए, 25 से ज्यादा करोड़पति बना पाए, और मार्केट प्रेजेंस हर जगह है, हर जगह है, यही कारण है आपको ओके लाइफ केयर करना चाहिए, समझ में आ रहा है। हम ओके हैं, सच में हम एक कदम आ गए हैं, हम ओके हैं, एआरपी ले रहे हैं, और एआरपी मतलब 1,21,00,000 2024 इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट ओके लाइफ केयर के लीडर का बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। ईश्वर साथ है, आपका आशीर्वाद है, कर लेंगे, ईश्वर साथ है, आपका आशीर्वाद है, कर लेंगे, प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच, ज़्यादा जानकारी के लिए जिसने वीडियो भेजी है उसके साथ बैठिए, उसके साथ समझिए, फिर बोल रही समझने में कुछ नहीं जाता है ना, चाय पीजिए हमारी ओके लाइफ केयर की, ओके फिटनेस पीजिए हमारे ओके का, कॉफ़ी पीजिए और बैठ के चर्चा कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।